मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर जातीय जनगणना पर टाल मटोल करने का आरोप लगाकर महागठबंधन के अंदर खलबली मचा दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस जातीय जनगणना पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उनके बड़े नेता जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। सीधा निशाना कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी पर है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति आधारित गणना की बात नहीं करती थी, लेकिन आज नेता राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम देश में और राज्य में जाति आधारित गणना करवाएंगे। ये परिवर्तन हुआ है। जाति गणना पर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी को तो गजब लपेट लिया। मौका मिला नहीं कि चौका मार दिया। दिल में बैठी बात जो अब तक तेजस्वी कह नहीं पा रहे थे, जातीय गणना के बाद देखिए कि तेजस्वी यादव ने खुलकर भरे मन से सबके सामने कह दिया। गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए, आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। ये भारत सरकार तो जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे, कास्ट बेस्ड सर्वे, तब कोर्ट कचहरी में अपने लोगों को खड़ा करके रुकवाना चाहता था लोग। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि भाई जो आरक्षण की सीमाएं जो बढ़ाई गई हैं उसमें कम से कम जो है ये सुरक्षित रहे, इसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसलिए दो दिन पहले ही हम लोगों ने कैबिनेट करके भारत सरकार को रिकमेंड किया है कि ये जो आरक्षण की सीमा जो बिहार सरकार ने बढ़ाया है इसको अनुसूची 9 में रखा जाए, शेड्यूल 9 में रखा जाए, ताकि लोगों को अधिकार मिल पाए। अब तो करना उन लोगों को है। अब तो ऐसा माहौल बना है कि हर राज्य हर प्रदेश जो है जातीय जनगणना के बारे में बात कर रहा है। जो कांग्रेस पार्टी पहले कभी भी जातीय गणना जनगणना के बारे में बात नहीं करती थी, आज उनके नेता भी राहुल गांधी जी भी हर चुनाव में जाकर के उनको बोलना पड़ रहा कि जातीय जनगणना अगर उनकी सरकार आएगी तो कराएंगे। कई रीजनल्स पार्टी अभी आंध्रा में हुआ तो कई रीजनल्स पार्टी जो है अभी ऐलान कर दी और ये पूरे देश भर में ये मांग उठ पड़ी है। तो कुछ लोग जो बैठे हैं सत्ता में उनको तो ये बात हजम नहीं है। दूसरा ऐतिहासिक काम ये हुआ हमारी सरकार ने करने का काम किया। तो बिहार में इन दिनों जाति आधारित गणना का श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। जाति आधारित गणना पर कभी नीतीश आगे आते हैं तो कभी आरजेडी। हालांकि नीतीश कुमार ने बीते दिन ही ये साफ कह दिया था कि क्रेडिट मत लीजिए, ये कहिए कि हमने मिलकर काम कराया। और अब नीतीश के बाद सामने आए तेजस्वी यादव, जिन्होंने जातीय गणना का श्रेय लेते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया और कह दिया निशाना साधते हुए कि जब बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना करवाई तो उसके बाद ही आज देश में हर जगह जाति आधारित गणना की बात हो रही है। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जाति आधारित गणना की बात नहीं करती थी। वो कांग्रेस पार्टी, वो राहुल गांधी आज जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो देश में और राज्य में जाति आधारित गणना करवाएंगे। बता दें कि जाति आधारित गणना को लेकर के पूरे देश में माहौल बन रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना करवाई उससे आने वाले चुनाव में महागठबंधन की सरकार को फायदा पहुंचेगा। बिहार में हुई जाति गणना बिहार सरकार का मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा था और तभी से जाति आधारित गणना को लेकर के हर तरफ माहौल बनाया जा रहा है। महागठबंधन के तमाम नेता इसे भुनाने में लगे और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जाति गणना का मुद्दा उठाया, लेकिन इस बार तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी दिखाई दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।